आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टाइम्स ऑफ राजस्थान पर। कहानी एक सच्चे देशप्रेमी धर्मपरायण जिंदा शेरदिल राजपूत की। भारत की आज़ादी के बाद 60 से 70वें दशक के बीच में पश्चिमी राजस्थान के लिए एक जाना पहचाना नाम था बलवंत सिंह बाखासर। गुजरात और राजस्थान के सरकारी महकमे और पुलिस विभाग के लिए डकैत, लेकिन बाड़मेर, सांचौर और उत्तरी गुजरात के वाव थराद सीमावर्ती गांवों के लिए वे आधुनिक रॉबिनहुड के समान थे। बलवंत सिंह चौहान का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिला के गांव बाकासर में चौहानों की नाडोल उपशाखा में हुआ था। इनकी शादी कच्छ गुजरात के विजयपासर गांव में जडेजा राजपूतों के यहाँ हुई थी। इनका बचपन राजस्थान और गुजरात तथा पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में गुजरा। ये पूरी तरह यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर वाकिफ थे और वक्त बीतने के साथ साथ बलवंत सिंह ने हथियार उठा लिए थे। आज़ादी के बाद पाकिस्तान के सिंधी मुस्लिमों का सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंक था। उस वक्त बॉर्डर खुला होने की वजह से सिंधी मुस्लिम आए दिन भारतीय सीमा में आकर लूटपाट करने लगे। इधर बलवंत सिंह बाखासर सरकारी खजाना व लुटेरों को लूट कर सारा धन गरीबों में बांट दिया करते थे। बलवंत सिंह ग्रामीणों की हर संभव मदद करते थे। सरकारी महकमा इनके नाम तक से डरता था। पूरे क्षेत्र के लोग बलवंत सिंह के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे और ये पूरे 100 किलोमीटर के क्षेत्र के आधुनिक रॉबिनहुड बन चुके थे। पाकिस्तान से आने वाले लुटेरे भी इनके नाम से थराने लगते थे। जिस गांव में ये रात गुजारते वहाँ का सारा प्रबंध ग्रामीण करते। धीरे धीरे बलवंत सिंह बाकासर का नाम बढ़ता गया। बलवंत सिंह देश में पहली बार चर्चा में तब आए जब मीठी के सिंधी मुसलमान एक साथ 100 गायों को लेकर पाकिस्तान जा रहे थे। जैसे ही इसकी खबर बलवंत सिंह जी को मिली, वे उसी क्षण अपने घोड़े पर सवार होकर डाकुओं का पीछा करने निकले। अकेले मुकाबला करते हुए 8 सिंधियों को ढेर कर दिया और सभी गायों को बलवंत सिंह ने छुड़ा लिया। बाड़मेर के चौहाटन के अब्दुल हादी, जो 7 बार विधायक मंत्री रहे, उनके बड़े भाई मोहम्मद हुसैन पर तस्करी और लूट के संगीन आरोप लगे थे। इन्हें भी बलवंत सिंह ने मार गिराया और वहीं मोहम्मद हयात खान नाम के लुटेरे को भी बाड़मेर में बलवंत सिंह ने मौत की नींद सुलाया। अब्दुल हादी से इनका मनमुटाव हो गया था। तब कांग्रेस सरकार के आते ही अब्दुल हादी और नाथूराम मिर्दा दोनों ने मिलकर इनको पकड़वाने की साजिश रची, परंतु इस साजिश में ये नाकाम रहे। 1971 में भारत पाक के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। 1971 युद्ध में बलवंत सिंह की अहम भूमिका रही। सैनिकों में ज़्यादातर सैनिक बाहरी थे और रेगिस्तान के खतरों से अनजान थे। बलवंत सिंह पाक सीमा से अच्छी तरह वाकिफ थे और उस समय काफ़ी लोकप्रिय भी थे। उस वक्त लेफ्टिनेंट महाराज भवानी सिंह जयपुर ने इनको सेना की एक बटालियन और 4 जोंगा जीपे तक सौंप दी थी। पूरी बटालियन की अगुवाई इन्हीं बलवंत सिंह बाकासर ने की और अपने धैर्य और सूझबूझ से भारतीय सेना को पाक के भीतर तक ले गए और नतीजा ये रहा कि सुबह के 3 बजे पाकिस्तान के सिंध सूबे के छाजरा कस्बे पर कब्जा करने में सफलता मिली और पाकिस्तान के 100 गांवों पर कब्जा हुआ। सारे थाने भारतीय सेना के कब्जे में आ गए थे। भारतीय सैनिकों को तब बड़ा ताजुब हुआ जब पाकिस्तान ग्रामीण अंचल के लोग सिर्फ बलवंत सिंह बाकासर को देखने के लिए कई किलोमीटर दूर से पैदल आए थे। इनकी देशभक्ति और वीरता से प्रभावित और प्रसन्न होकर भारत सरकार ने इन पर लगाए सारे डकैती के केस वापस ले लिए थे। वर्तमान में इनके पुत्र रतन सिंह जी बाकासर अहमदाबाद में रह रहे हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डिंगल भाषा में इन पर गीत तक लिखे गए हैं। सांचौर में लगने वाले मेले को भयमुक्त बनाने के लिए बलवंत सिंह अपने ऊंट पर बैठकर खुद निगरानी करते थे। राजस्थान, गुजरात, कच्छ और रण के क्षेत्र में इनकी वीरता के वीर रस और भजन आज तक गाए जाते हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय राजपूताना, जय माँ भवानी भाइयों।